वेलकम स्टूडेंट्स फॉर द सेकेंड एपिसोड ऑफ हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। आई प्रज्यूम आपने पहले वाले कर ली होगी, जिसके अंदर हमारे पास मेनली था थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बारे में और बेसिक प्रिंसिपल कंडक्शन कन्वेक्शन रेडिएशन के ऊपर। अब हम बात करेंगे इसके सेकेंड स्टेप के ऊपर, जिसमें कि हमने थोड़ा थर्मोडायनामिक्स के बारे में पढ़ना है। देखिए, थर्मो मीन्स थर्मल एनर्जी, टेम्परेचर रिलेटेड वगैरह वगैरह, डायनामिक्स माने मूवमेंट। तो पूरी थर्मोडायनामिक्स के अंदर जब आप हीट देंगे तो क्या क्या चीजें बदल सकती हैं। हमारे पास इन ऑल पांच चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, एंड दे आर प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, हीट एंड वर्क। हमें बेसिकली इन पांच चीजों में खेलना है, पी वी टी क्यू एंड डब्ल्यू। अब इन पांचों को किस तरह यूज करना है जरा उसको समझें। पहली चीज है, एक चीज है स्टेट वेरिएबल। स्टेट वेरिएबल का मतलब है कि आप उस स्टेट पर डिपेंड करती है वो चीज, जिसका के कोई लेना देना नहीं है उस प्रोसेस से जिससे वो चीज पहुंची है। आपको एग्जांपल से समझता हूं। मान लो मेरे पास अब इस समय 50 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पानी अवेलेबल है या गैस अवेलेबल है। अब वो 50 डिग्री सेल्सियस की गैस जो अभी अवेलेबल है, पहले 60 से ठंडी होकर 50 बनी है या 40 को गर्म करके 50 बनी है, अपने को नहीं पता। वी कैन नॉट फाइंड आउट। सो व्हाट वी नो राइट नाउ द टेम्परेचर इज 50। तो ये स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है, पाथ जैसे वहां पहुंचे मुझे उससे मतलब नहीं है। तो तीन चीजें हमारे पास होती है, स्टेट वेरिएबल, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। फिर दूसरी चीज है पाथ वेरिएबल। वो क्या है, वो चीज मतलब वो स्टेट कैसे पहुंची, माने हीट एंड वर्क, ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर किस रास्ते पर आप गए हैं। माने अगर मैंने एक कमरे के अंदर हीट दी है और बाहर हीट नहीं जाने दी, माने कंडक्शन कन्वेक्शन रेडिएशन को रोक दिया है, या थोड़ी हीट चली गई है, किस तरीके से मैंने हीट दी है, ये सब चीजें पाथ पर डिपेंड करती है। तो क्यू एंड डब्ल्यू को हम कहा करते हैं पाथ वेरिएबल, माने वो पाथ पर डिपेंड करती हैं, जबकि स्टेट वेरिएबल सिर्फ उस स्टेट पर डिपेंड करती हैं। अब वर्क की हम बात, क्यू के बारे में हम पढ़ चुके हैं, क्यू इज एम एस डेल्टा टी, मास स्पेसिफिक हीट इनटू डेल्टा टी, टेम्परेचर डिफरेंस। अब हम बात करते हैं वर्क क्या होगा। देखिए, हमारे पास नॉर्मली, लेट्स गो टू बेसिक्स, बेसिक्स ऑफ वर्क कहते हैं एफ डी एस का इंटीग्रल, राइट, याद है आपको, एफ इंटू डी एस। अब एफ क्या है, प्रेशर इंटू एरिया, तो प्रेशर एरिया इंटू डिस्टेंस बिकम प्रेशर इंटू वॉल्यूम। दरअसल पूरी थर्मोडायनेमिक्स में हमारा वर्क डन पी डीवी का इंटीग्रल है। अब वो डिपेंड करता है पी कांस्टेंट बाहर ले लेंगे वगैरह वगैरह, वो सब डिफरेंट प्रोसेस पे डिपेंड करेगा, पर बेसिक हमारा वर्क इज पी डीवी। और थोड़ा आगे समझिए, अब हमारे पास क्या है, एक और चीज इसमें आती है, इसका नाम यू है इंटरनल एनर्जी। ये किस पर डिपेंड करती है, किसी भी सिस्टम के अंदर। देखिए, हम इंटरनल एनर्जी किसी भी सिस्टम की नहीं नाप सकते। हम क्या नाप सकते हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, कितनी चेंज हो गई। इसलिए ये रिलेटिव टर्म है, एब्सोल्यूट तो हम कभी निकालते नहीं है। अब चेंज में, अब सवाल है किस किस पर ये इंटरनल एनर्जी डिपेंड करेगी। पहली चीज जिस पर इंटरनल एनर्जी डिपेंड करेगी वो है टेम्परेचर। गर्म बॉडी है उसमें यू ज्यादा है, ठंडी बॉडी में यू कम है। तो अगर सिर्फ टेम्परेचर बदलता है तो टेम्परेचर बदलने से यू बदलता है। लेकिन एक चीज और है जिस पर फेज चेंज है। अगर फेज चेंज हो रहा है, टेम्परेचर नहीं बदल रहा, तो भी इंटरनल एनर्जी बदल रही है। मतलब 0 डिग्री सेल्सियस का पानी बर्फ, 0 डिग्री सेल्सियस का पानी बन रही है, 0 डिग्री सेल्सियस की बर्फ पानी बन रही है, या पानी बर्फ बन रहा है, इन दोनों केसेस में टेम्परेचर तो नहीं बदल रहा लेकिन हीट का इस्तेमाल हो रहा है। इसके लिए ये फेज चेंज की वजह से इंटरनल एनर्जी इसकी फिर भी बदलती है। अगर फेज चेंज नहीं हो रहा, मैंने सिर्फ लिक्विड था लिक्विड ही रहा, सॉलिड था सॉलिड ही रहा, इन दैट केस अगर इंटरनल एनर्जी बदलेगी तो टेम्परेचर का बदलना जरूरी है। मान लो आप मुझे कहो सर ये लिक्विड है, लिक्विड का टेम्परेचर पहले भी टी था अब भी टी है, तो कितना इंटरनल एनर्जी में चेंज हुआ। तो वी शुड बी वेरी क्लियर, देयर इज नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी एक्सेप्टिंग दीज टू थिंग्स, माने टेम्परेचर में डिफरेंस हो या फेज में चेंज हो। फिर आता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस है। इससे पहले जीरो लॉ आता है,
वो सिर्फ ये कहता है कि अगर ए का टेम्परेचर बी के बराबर है और बी का टेम्परेचर सी के बराबर है तो ए और सी का टेम्परेचर सेम है, दैट्स लॉ ऑफ कॉमन सेंस यू कैन से। बट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स विच इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वो कहता है सबसे पहले आप एक सिस्टम ले लीजिए, सिस्टम आपको पता है ओपन क्लोज्ड और आइसोलेटेड है। हम लोग इस केस में एक सिस्टम लेके चले इसमें मास बाहर नहीं दे रहे, एनर्जी जा सकती है, हम ये सिस्टम इसमें थर्मोडायनामिक्स यूजली ले रहे हैं फिजिक्स में, मतलब नीट लेवल तक। अब क्या है वो कहता है इसमें एनर्जी कंजर्वेशन कैसे है। थर्मोडायनामिक्स का प्रिंसिपल ये कहता है आप जितनी भी हीट दोगे, मान लो किसी बॉडी को हीट आप देते हैं, तो वो हीट जाएगी कहां, या तो बॉडी का टेम्परेचर गर्म करेगी या उसको एक्सपैंड कर देगी। माने गैस को आप गर्म कीजिए तो गैस एक्सपैंड भी हो सकती है और उसका टेम्परेचर भी बढ़ सकता है। यही चीज आपने फॉर्मूले में कह दी, डेल्टा क्यू माने हीट गिवन इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। मैंने आपसे कहा टेम्परेचर बदला तो यू बदला, और अगर एक्सपैंड किया तो वर्क किया, वर्क का हमारा फॉर्मूला पीडीवी आपके पास यहां पर है। इन दोनों की मदद से हमारे पास ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। मतलब इसमें कुछ खास बात नहीं कि आपने हीट दी तो या टेम्परेचर बढ़ेगा या एक्सपैंड होगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं, जितनी आपने एनर्जी दी वो एनर्जी किसी ना किसी काम में आई। अब इसमें साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना, क्योंकि केमिस्ट्री के अंदर इसका फॉर्मूला थोड़ा बदला होता है, उसका कारण कुछ और नहीं है, सिस्टम और सराउंडिंग में डिफरेंस का है। हमारे यहां पर हम सिस्टम पर बात करते हैं, अगर आपने सिस्टम को हीट दी तो डेल्टा क्यू पॉजिटिव है, और अगर बॉडी मतलब गैस एक्सपैंड कर रही है, देखिए पीडीवी क्या होगा, जो भी इंटीग्रल होगा दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल। अगर फाइनल वॉल्यूम ज्यादा है इनिशियल कम है, इसका मतलब गैस एक्सपैंड हुई है, एक्सपैंड हुई तो डेल्टा वी पॉजिटिव है, और अगर डेल्टा वी पॉजिटिव है आपका वर्क डन पॉजिटिव है। लेकिन अगर आपने कंप्रेस कर दिया तो फाइनल वॉल्यूम विल बिकम लेस, तो वी टू माइनस वी वन विल बी नेगेटिव, हेंस वर्क डन विल बी नेगेटिव। सो याद रखिए वर्क डन इज पॉजिटिव इन एक्सपेंशन, नेगेटिव इन कंप्रेशन। और हीट के बारे में, हीट गिवन टू अ सिस्टम इज पॉजिटिव, हीट टेकन फ्रॉम अ सिस्टम इज नेगेटिव। दिस इज द वे वी टेक दिस साइन कन्वेंशन। अब अगली बात देखिए हमारे पास, अब मैंने आपको कहा अगर टेम्परेचर नहीं बदल रहा, सॉरी फेज नहीं चेंज हो रहा, तो जो भी हीट दे रहे हैं वो, अब थर्मोडायनामिक्स के प्रिंसिपल में आपने कहा जो हीट दी वो गई कहां, आपने कहा वर्क डन नहीं हुआ मान लीजिए, तो वॉल्यूम कांस्टेंट है। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो इसका मतलब आपने जो भी हीट दी वो बॉडी का टेम्परेचर बदलने के काम आएगी, क्योंकि आपने पहले ही कह दिया वॉल्यूम कांस्टेंट है। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क डन नहीं है। अब यूजुअली इसीलिए डेल्टा यू को हम एन नंबर ऑफ मोल्स सीवी डेल्टा टी। गैसेस में हमारे पास दो स्पेसिफिक हीट होंगी, एक सीवी और एक सीपी। सीवी अगर हमारे पास प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम में कर रहा है, और सीपी अगर कांस्टेंट प्रेशर पे कर रहा है, जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे कुछ काम हो रहा है वो कांस्टेंट प्रेशर पे माना जाता है, क्योंकि आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कांस्टेंट प्रेशर। इसलिए फंडामेंटली आप समझ सकते हैं कि डेल्टा क्यू को हम लोग एन सीपी डेल्टा टी लेते हैं, एन नंबर ऑफ मोल्स, सीपी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस। इसी प्रकार डेल्टा यू एन सीवी डेल्टा टी है, माने इसका डिफरेंस ही वर्क डन आता है। अब देखिए, अब ये अलग अलग प्रोसेस की बात करते हैं। एक प्रोसेस उसका नाम है आइसोथर्मल। आप ध्यान समझते हैं आइसोथर्मल का माने टेम्परेचर कांस्टेंट। यदि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो हमारा वर्क डन इंटीग्रेशन से ये आता है आर टी लॉग वी टू बाई वी वन, ध्यान रखिएगा इसको, और आर टी लॉग पी वन बाई पी टू। अब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो डेल्टा यू तो हो नहीं सकता, क्योंकि अब ये यहां पर देखिए डेल्टा यू क्या है, डेल्टा टी है ही नहीं यहां पर, तो डेल्टा यू जीरो हो गया। प्रिंसिपल ऑफ थर्मोडायनामिक्स में क्या आ गया, डेल्टा क्यू डब्ल्यू के बराबर हो गया। लेकिन इसमें फेज चेंज हमने नहीं लिया, क्योंकि डेल्टा यू तभी जीरो है, टेम्परेचर नहीं बदल रहा और फेज भी चेंज नहीं हो रहा। अगर फेज चेंज होता तो वो इसमें ले लिया जाता, क्योंकि आपको पता है डेल्टा यू दो पर डिपेंड करेगा, किस पर, टेम्परेचर बदलने पर और फेज चेंज पर। टेम्परेचर बदल नहीं रहा क्योंकि आपने टेम्परेचर कॉन्स्टेंट कह दिया, और फेज चेंज अगर नहीं है, अगर फेज चेंज है तो ये प्रिंसिपल डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू ही रहेगा। इसका नाम आइसोथर्मल प्रोसेस। अब आते हैं आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक किसे बोलते हैं, जिसके अंदर हमारे पास प्रेशर कॉन्स्टेंट है। आपको पता है फॉर्मूले में वर्क डन में पी वी टू माइनस वी वन ले लिया, हमने इसमें क्या किया फाइनल माइनस थ्री, क्योंकि पी कांस्टेंट था, आइसोबारिक कहती प्रेशर कांस्टेंट हो गया। अब हमारे पास थर्मोडायनामिक्स का वही प्रिंसिपल लगाएंगे। फिर एक है आइसोकोरिक, कोरिक माने वॉल्यूम कांस्टेंट।
अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो आपको पता है डेल्टा भी जीरो आ जाएगा, तो डेल्टा भी जीरो तो वक्त तो होगा ही नहीं, तो हमारे पास डेल्टा क्यू डेल्टा यू के बराबर आएगा। तो ये रही तीन मेन प्रोसेस। फिर हमारे पास एक प्रोसेस और आती है जिसको हम लोग कहते हैं एडियाबैटिक। एडियाबैटिक में कोई हीट एक्सचेंज सिस्टम से नहीं है, याद रखिएगा। आइसोथर्मल इज अ स्लो प्रोसेस, एडियाबैटिक इज अ फास्ट प्रोसेस। कभी कभी क्वेश्चन में लिखा होगा गैस इज सडनली एक्सपैंडेड, स्लोली एक्सपैंडेड। सडनली एक्सपैंडेड का मतलब एडियाबैटिक ही होगा, स्लोली का मतलब आइसोथर्मल होगा, ये ध्यान रखिएगा। अब एडियाबैटिक की जो कंडीशन होती है, पी वी इज टू द पावर गामा कांस्टेंट, ये प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर के अलग अलग मैंने रिलेशन लिख दिए हैं। गामा क्या है, सीपी बाय सीवी, माने रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर टू कांस्टेंट वॉल्यूम। गामा की वैल्यू मोनोटॉमिक के लिए 5/3, डायटॉमिक के लिए 7/5 और पॉली के लिए 9/7 है। आपको यूजली मोनो और डाई काम आएगी। इसमें वर्क डन कितना है ये मैंने आपके सामने रख दिया, ये डिराइव करके आता है, आपने सिर्फ देखना। अब क्योंकि डेल्टा क्यू जीरो है तो जो वर्क डन होगा वो माइनस डेल्टा यू में आ जाएगा, जितना वर्क डन करोगे उतनी एनर्जी कम हो जाएगी। अब एक प्रिंसिपल आप याद रखिए, सीपी माइनस सीवी की वैल्यू आर के बराबर है, मोलर स्पेसिफिक हीट को देखते हैं आर की वैल्यू, जो भी आर है 8.314 1.98 मैथमेटिकली हर यूनिट में अलग अलग है। अब इससे सीवी क्या आया, मैंने कुछ नहीं किया, इसको इससे इक्वेट किया, इसको इसको आपस में सॉल्व किया, तो मेरे पास सीवी और सीपी आ गया। ये थी मेरे पास एडियाबैटिक प्रोसेस। इसके उपरांत मेरे पास एक पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस आती है जिसमें पीवी टू द पावर एन कांस्टेंट होता है, मैंने कुछ भी दिया, पीवी स्क्वायर कांस्टेंट, पीवी क्यूब, कुछ भी दे सकते हैं। अब इसमें सीवी क्या होती है आप ये देखिए, मतलब स्पेसिफिक हीट इज सीवी प्लस आर अपॉन वन माइनस एन, एन क्या है वी के पावर वाला, या स्टैंडर्डली सीवी प्लस आर पी डीवी प्लस पी डीवी प्लस वी डीपी। ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आपको थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बताता है, जिसमें हमने इन चीजों को फॉर्मूले वाइज फॉर्मूलेज ले लिए हैं, और अब अगले वीडियो में हम इनके प्रोसेस के बारे में थोड़ा और डिटेल में एक बार समझ लेंगे, वर्क डन कैसे निकालना है, ग्राफ कैसे इनके बनती हैं, एक बार आप वो समझ लेंगे तो आपको थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन करना बहुत आसान पड़ेगा। इस वीडियो को भी आप यूज करें, फ्रेंड्स को दीजिए, और उसके बाद अब हम एक वीडियो आपको इसके बेसिक्स और KTG को जोड़कर तीसरा वीडियो में दूंगा, उसके बाद हम नीट में प्रीवियस ईयर आए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यूज दिस वीडियो, थैंक यू।